स्टार्ट कर लें। नमस्ते बच्चों, आज हम संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन पढ़ेंगे। संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन के लिए प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट का संबंध किसी बिंदु A से करते हैं तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध किसी बिंदु B से करते हैं। बिंदु A को किसी आवेशित चालक की सहायता से +Q आवेश दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक संधारित्र की पहले प्लेट पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। तब विद्युत प्रेरण के फलस्वरूप प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट के आंतरिक भाग पर ऋणावेश तथा बाहरी भाग पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट का संबंध बिंदु B से है और बिंदु B को प्रतिबिंबित कर दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक संधारित्र का जितना भी धनावेश है वो पृथ्वी में चला जाता है, अर्थात प्रत्येक संधारित्र के दूसरी प्लेट पर केवल ऋणावेश शेष रह जाता है। संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन में प्रत्येक संधारित्र का जो विभव होता है वो समान होता है, अर्थात इस समय केवल आवेश की मात्रा प्रत्येक संधारित्र में चेंज होगी। तब चित्रानुसार स्पष्ट है कि संधारित्रों को समांतर क्रम समूहन में जोड़ने पर आवेश की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी, Q=Q1+Q2+Q3। यहाँ पर हमने तीन संधारित्र लिए हैं जिनकी विद्युत धारिता क्रमशः C1, C2, C3 है, तो उनके आवेश क्या हो जाएंगे Q1, Q2, Q3। विद्युत धारिता के सूत्र से हम क्या जानते हैं, C=Q/V। इसमें से क्यू की वैल्यू अगर हम निकालें तो Q=CV। ठीक है, तो क्यू ऐसा कैसा है, इक्वल टू Q1 की जगह लेंगे C1V, आवेश की सॉरी विद्युत विभव की मात्रा समान है इसलिए V में ऐसा कैसा रहेगा, चेंज हो जाएगा C1, C2 और C3। इन तीनों में से V को कॉमन ले लेंगे, क्यू की जगह रख देंगे CV, V से V कैंसिल, C=हो जाएगा तुम्हारे पास में C1+C2+C3। विद्युत धारिता है इसलिए इसका मात्रक फेराड या कूलम्ब बटे वोल्ट, इसको समीकरण 1 नाम देंगे। समीकरण 1 से क्या स्पष्ट है, संधारित्रों को समांतर क्रम समूहन में जोड़ने पर तुल्य विद्युत धारिता अलग अलग विद्युत धारिताओं के योग के बराबर होती है। संधारित्रों को समांतर क्रम समूहन में जोड़ने पर विद्युत धारिता के लिए व्यंजक का पालन होता है।